किसान वीरो नमस्कार, मैं हिमांशु साहू, वेलकम टू अवर फार्मिंग सपोर्ट चैनल। किसान वीरो, हमें अभी न्यूज मिल गया है कि फाइनली अब किसानों के लिए सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो कल शुक्रवार यानी कि 12 फरवरी को भारत में सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे। तो सीएनजी ट्रैक्टर में हमको बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस खर्चा बचता है और किसानों का लगभग 1 से 1.5 लाख सालाना की बचत होगी। चलिए जानते हैं इसमें हमको क्या क्या फायदा मिलता है। बाकी लॉन्च तो कल होगी, उसका हम कल आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले जो हमारे नए किसान मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में रही घंटी भी जरूर दबाए। आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में अभी 1.2 करोड़ ही सीएनजी वाहन उपलब्ध है। तो ऐसे में किसानों के लिए सीएनजी वाहन लाना एक बहुत बड़ा सौगात की बात हो सकती है, क्योंकि किसानों का दिन ब दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, मेंटेनेंस खर्चा बढ़ता जा रहा है, किसानी में बहुत ज़्यादा खर्चा आता जा रहा है। तो इसको देखते हुए हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को मतलब फरवरी में ही ये सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च करेगी। तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा बचत होगी। यहाँ पर मंत्री ने यह भी कहा है कि इससे ग्रामीण स्तरों में रोजगार के अवसर भी आपको प्रदान होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है। यहाँ पर सोनालिका महिंद्रा नहीं कर रही है इसको। आप देख सकते हैं ये अभी भारत में ये लॉन्च करने जा रही है रोमैट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमेसेटो एकाइल इंडिया द्वारा। दोनों मिलकर ये ट्रैक्टर लॉन्च करेगी इंडिया में, क्योंकि आप जानती हैं सीएनजी का रेट उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता जितना कि डीजल का। अभी सामान्य बात करें तो 80 से 85 रुपया डीजल का रेट हो गया है। तो किसानों के सर पर कुल्हाड़ी आ गया है कि इतना खर्चा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए जान लेते हैं सीएनजी में क्या क्या फायदा होते हैं। बाकी ट्रैक्टर कल लॉन्च होगी तो हम पूरा डिटेल आपको ट्रैक्टर का फीचर बताएंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, कितना माइलेज देखने को मिलता है। तो उससे पहले सीएनजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सीएनजी की बात करें तो सबसे पहले प्रदूषण बहुत कम करता है, प्रदूषण में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। प्रदूषण अगर हम देखें डीजल वाहन से, तो ये सीएनजी वाहन बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि ये उत्सर्जन कम करता है डीजल के मुकाबले। उसी के बाद दूसरा आ जाता है किसानों की आय बढ़ेगी। आय नहीं बढ़ेगी, किसानों का खर्चा कम बढ़ेगा, आय नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आय लिख दिया है, लेकिन सामान्य कहें तो किसानों का खर्चा कम होगा, मेंटेनेंस खर्चा कम होगा। डीजल का खपत लगभग सालाना सामान्य किसान का 1 से 1.5 लाख जाता ही है, तो वो बचत हो जाएगा। उसके बाद ये सुरक्षित भी है। अगर देखें सीएनजी वाहन, डीजल वाहन में आग बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसमें उससे ज़्यादा आग कम लगने की क्षमता है, मतलब कहा जाए तो, क्योंकि आग लगना है तो लगेगा ही, लेकिन इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा सेफ देखने को मिलेगा सीएनजी में। उसी के बाद इसके इंजन लाइफ की बात करें तो सीएनजी में आपको इंजन लाइफ ज़्यादा देखने को मिलता है इंजन के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो अगर सामान्य किसान सीएनजी वाहन ट्रैक्टर लेता है तो उसको इंजन में ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा भी कम लगता है, ज़्यादा देख लेख करना नहीं पड़ता और माइलेज भी आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लगभग डीजल से 50% की बचत, तो 100% मतलब 50% तो देगा ही देगा बचत। उसके बाद इसमें मेंटेनेंस खर्चा कम आ जाता है, क्योंकि किसानों को बार बार सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है, इंजन खोलवाना पड़ता है, तो उसमें खर्चा होता है, तो ये खर्चा आपका बचेगा। तो ये सामान्यतः बचत होती है। और एक बात और, सीएनजी में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, इसका रेट एक्चुअल रहता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं होता। डीजल तो रोज़ के रोड बढ़ रहा है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया रोज़ बढ़ते जा रहा है। तो बस किसान मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।